हेलो एवरीवन, हेलो सर। आज का टॉपिक देखिए। आज का जो टॉपिक है वो है एग्जम्प्टेड इनकम ऑफ चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट। जो भी ट्रस्ट होती है उसकी एग्जम्प्टेड इनकम क्या होती है, तो जो सेक्शन 11 में आता है। तो मैं आपको एक स्लाइड है वो शेयर कर रहा हूँ, वेट कीजिए। ये विजिबल है सबको स्लाइड? यस इसमें देखिए, एग्जेम्प्टेड इनकम्स ऑफ चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट। जो ट्रस्ट होती है जो चैरिटेबल पर्पज के लिए बनाई जाती है या रिलीजियस पर्पज के लिए बनाई जाती है, तो उसकी जो इनकम होती है उसके एग्जेम्प्ट होने के क्या रूल्स हैं एज पर इनकम टैक्स एक्ट। या धर्मार्थ, जैसे धर्मार्थ और धार्मिक ट्रस्ट। धर्मार्थ तो हो गया चैरिटेबल और धार्मिक ट्रस्ट हो गया जो रिलीजियस से रिलेटेड है। तो उनकी ट्रस्ट की जो छूट प्राप्त आए, मतलब ऐसी आए जिसमें छूट हो, तो वो क्या होगी जो सेक्शन 11 में डिस्क्राइब है। अब देखिए, इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इसमें देखिए, इसको फोर पार्ट में डिवाइड किया गया है। देखिए, ये ए बी सी और डी। अब इसमें देखिए, जो ए पार्ट है, ए पार्ट में देखिए क्या है। मेरी वॉइस क्लियर है सबको? यस इसमें देखिए, जो फर्स्ट पार्ट है इसका, उसमें है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट। एक मीनिंग है प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट, मतलब कोई भी अगर प्रॉपर्टी है जो ट्रस्ट के लिए यूज हो रही है। प्रॉपर्टी में देखिए, कुछ भी लैंड भी हो सकती है, बिल्डिंग भी हो सकती है, शेयर कैपिटल भी हो सकती है, ठीक है, कोई मशीनरी भी हो सकती है, कोई फर्नीचर भी हो सकता है। तो कोई भी अगर प्रॉपर्टी है और हेल्ड अंडर ट्रस्ट, मतलब कि ट्रस्ट के लिए वो हेल्ड है या यूज हो रही है, या ट्रस्ट के उद्देश्य के लिए वो यूज हो रही है और उससे कोई इनकम आती है, मतलब प्रॉपर्टी अंडर हेल्ड से कोई इनकम आती है और जो ट्रस्ट के लिए यूज हो रही है, और होली फॉर चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पज, वो पूरी तरीके से उसी पर्पज के लिए है। होली फॉर चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पज, जो सेक्शन 11(1)(a) में आता है। इसको अगर हिंदी में देखेंगे, पूरी तरह धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्यों के लिए, ठीक है, जो धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्यों के लिए कोई ट्रस्ट है, ठीक है, वो पूरी तरीके से जो भी उसकी प्रॉपर्टी है, जो संपत्ति है, उससे जो आय प्राप्त होती है वो सेक्शन 11(1)(a) में एग्जम्प्ट है। ठीक है, तो पूरी तरह धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्यों के लिए ट्रस्ट, कोई भी ट्रस्ट है जो धर्मार्थ है या धार्मिक उद्देश्य के लिए है, ठीक है, और उसने कोई प्रॉपर्टी धारण कर रखी है, मतलब उसके पास कोई प्रॉपर्टी है या संपत्ति है, उससे कोई भी इनकम प्राप्त होती है, और वो जो प्रॉपर्टी जो है वो पूरी तरीके से इसी उद्देश्य के लिए ही है, तो उसकी इनकम अंडर सेक्शन 11(1)(a) में एग्जम्प्ट हो जाएगी। इसमें कोई डाउट है? नो सर। अब नेक्स्ट आता है, जैसे ये तो पूरी तरीके से या होली फॉर चैरिटेबल पर्पज था। अब ये देखिए, ये पार्टली है, अप्लाइड फॉर पार्ट, मतलब कि 50-50% भी हो सकता है, 60-40% भी हो सकती है, या 10% भी हो सकता है, कि कुछ परसेंटेज में अगर वो रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पज के लिए अगर वो यूज़ हो रही है प्रॉपर्टी, तब उसके क्या प्रोविजंस होंगे, ठीक है, या बोल सकते हैं आंशिक रूप से लागू होती है, मतलब कोई भी प्रॉपर्टी धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्य के लिए आंशिक रूप से यूज हो रही है, तब प्रोविजन क्या अप्लीकेबल होंगे, तब 11(1)(b) के प्रोविजन अप्लीकेबल होंगे। उसमें देख हम अब आगे देखेंगे कि क्या रूल्स है। उसके बाद थर्ड रूल आएगा कि कोई भी इनकम जो प्राप्त हो रही है और किससे हो रही है, प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट, मतलब कि एक्सक्यूज मी ट्रस्ट के पास जो प्रॉपर्टी है। हाँ जी, सर, जैसे ये आप आंशिक बता रहे हैं ना, तो हाँ जी, आंशिक कैसे, जैसे कुछ टाइम तक यूज करना उस जो प्रॉपर्टी को या नहीं करना, आंशिक कैसे, आंशिक। जैसे जैसे पूरा। जैसे मान लो कोई भी बिल्डिंग है, तो उस बिल्डिंग में मान लो उस बिल्डिंग के हाफ पार्ट में तो कोई भी ट्रस्ट खोल रखी है उन्होंने, और वो क्या करते हैं, फ्री में बच्चों को पढ़ाते हैं, ठीक है, ओके सर, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको धर्मार्थ उद्देश्य के लिए उन्होंने कोई ट्रस्ट बना रखी है, तो और जो प्रॉपर्टी है वो हाफ उसमें यूज हो रही है और हाफ में उन्होंने एज ए बिजनेस सेटअप कर रखा है, उससे वो प्रॉफिट कमाते हैं। तो उस प्रॉपर्टी से देखिए, हाफ में हाफ प्रॉपर्टी वो
बिजनेस पर्पज के लिए यूज हो रही है और हाफ प्रॉपर्टी वो ट्रस्ट के लिए यूज हो रही है। तो इस तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको, या तो पूरी ओके तरीके से सर, यूज हो या हाफ प्रॉपर्टी यूज हो। या हाफ का मतलब ये नहीं बोला कि 50-50% ही होना चाहिए, हाफ का मतलब कि पार्ट यूज हो, पार्टली यूज हो, या आंशिक रूप से यूज हो, कि वो कितनी भी यूज हो सकती है, 10% भी, 20% भी, 30% भी, कितनी भी हो सकती है। आपको मुझे याद रखना है प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट, कि कोई भी प्रॉपर्टी है वो ट्रस्ट के अंडर हेल्ड है, मतलब कि प्रॉपर्टी ट्रस्ट के लिए यूज हो रही है, या ओके ट्रस्ट उस पर धारण करती है उस प्रॉपर्टी को, या ट्रस्ट के पास वो प्रॉपर्टी है, सीधे सीधा ये बोल सकते हो, और उससे इनकम आती है। ये सारे इनकम वाले हैं कि उससे इनकम, मतलब प्रॉपर्टी इनकम आती है जो पूरी यूज हो रही है प्रॉपर्टी, उससे इनकम आती है कि पार्ट में यूज हो रही है प्रॉपर्टी, और उससे इनकम आती है कि जो भी इनकम आती है वो आउटसाइड इंडिया आती है। ठीक है, ये तो विद इन इंडिया थी, ये आउटसाइड इंडिया हो गई थर्ड में। तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट विच इज़ अप्लाइड फॉर चैरिटेबल पर्पज, मतलब चैरिटेबल पर्पज के लिए वो अप्लाई हो रही है, यूज हो रही है आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया यूज हो रही है, जो सेक्शन 11(1)(c) में है। इसको हिंदी में देख सकते हैं, ट्रस्ट के तहत धारित संपत्ति, मतलब ट्रस्ट के पास जो भी संपत्ति है, तो आय और उससे जो आय प्राप्त होती है वो भारत के बाहर धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए लागू होती है। मतलब वो भारत के बाहर फ्री एजुकेशन देता है, या कोई फ्री मेडिकल सर्विस देता है, कोई या कुछ भी वो सर्विस दे सकता है, बट वो भारत के बाहर दे रहा है, तो उसमें ये सेक्शन अप्लीकेबल होगा 11(1)(c). फिर लास्ट आता है वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशंस। जैसे मान लीजिए कोई ट्रस्ट है, हम चाहेंगे चलो यार थोड़ा हेल्प कर देते हैं, और हमने वॉलेंट्री उसको कुछ कंट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है, तो उसको वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन कहते हैं। तो वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन फॉर्मिंग पार्ट ऑफ कॉर्पस, हमने ये बोल दिया कि चलो 10 लाख रुपीज़ ले लो। ठीक है, हिंदी मूवी में आपने देखा होगा कि कोई भी मान लो गरीब संस्था आती है, उनके पास कुछ लेडीज आती है, बोलती है कि हमें कोई हेल्प कर दो, हमारी जो स्कूल है वो अंधे बच्चों को पढ़ाती है, तो उसमें क्या होता है, वो 5 लाख का चेक काट के दे देता है कि लो ले लो, तो वो वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया। ठीक है, बट उसमें फॉर्मिंग पार्ट ऑफ कॉर्पस, तो उसका वो कॉर्पस का पार्ट बन जाएगा, मतलब कि उसका कैपिटल बन जाएगी वो। ठीक है, तो वो मतलब कि उससे वो इनकम नहीं कमा रही, उसने क्या किया, वो 5 लाख रुपीज़ या 10 लाख रुपीज़, 10 लाख रुपीज़ लिया, और उससे मान लो उन्होंने बिल्डिंग खड़ी कर ली, या ठीक है कोई मशीनरी परचेज कर ली, ठीक है, तो उसका कॉर्पस का पार्ट बन गया, वो उसकी कैपिटल का पार्ट बन गया, तो वो भी एग्जम्प्ट है, वो इस सेक्शन में आएगा, 11(1)(d) में आएगा, क्योंकि उससे वो इनकम नहीं कमा रही अभी। अब देखिए इसकी डिटेल में अब देखते हैं। अब पार्ट ए है जो हमने देखा था, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट होली फॉर चैरिटेबल पर्पज, मतलब पूरी यूज हो रही है, होली फॉर चैरिटेबल पर्पज यूज हो रही है, ठीक है, पूरी तरह धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्यों के लिए जो भी ट्रस्ट के तहत संपत्ति वो पूरी यूज हो रही है। तो इसमें देखिए, तो इनकम ड्राइव्ड फ्रॉम प्रॉपर्टी, इस इनकम से जो भी प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी से जो भी इनकम रिसीव होगी, कोई भी इनकम रिसीव होगी, तो उसमें देखिए उसे क्या छूट मिलेगी। तो इनकम ड्राइव्ड फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट होली फॉर चैरिटेबल एंड रिलीजियस पर्पज शैल बी एग्जम्प्ट, वो एग्जम्प्ट हो जाएगी इनकम। उसकी क्या रूल है देखिए, टू द एक्सटेंट सच इनकम इज अप्लाइड इन इंडिया फॉर सच पर्पज, इसका मतलब ये है कि वो जो भी इनकम यूज हो रही है, जो भी प्रॉपर्टी अंडर हेल्ड है ट्रस्ट के, उससे जो भी इनकम रिसीव हो रही है, वो उसका वो क्या यूज कर रहा है, वो ऐसा नहीं है कि उसको अपने दूसरे बिजनेस में लगा दे, ऐसा नहीं है, वो मतलब कि ये बोल सकते हैं कि रिलीजियस पर्पज के लिए ही वो लगाए, या चैरिटेबल पर्पज के लिए लगाए। जैसे मान लीजिए कोई स्कूल है, वो अंधों को पढ़ाती है, ठीक है, तो उन्होंने मान लीजिए एक बिल्डिंग को किराए पे दे रखा है, और उससे जो भी इनकम आती है, तो उस इनकम से वो जितने भी चिल्ड्रंस हैं उनका भरण पोषण कर रही है वो, या उनकी पढ़ाई करवा रही है वो, एजुकेशन करवा रही है, तो इसका मतलब वो रिलीजियस पर्पज़ के लिए वो जो भी पैसा आया है वो अप्लाई हुआ है, या वहाँ पर यूज हुआ है। तो इसमें देखिए रूल क्या है, टू द एक्सटेंट सच इनकम इज अप्लाइड इन इंडिया फॉर सच पर्पज, मतलब जिस पर्पज के लिए ट्रस्ट बनाई गई है उस पर्पज के लिए वो अप्लाई हो, जो भी इनकम आई है वो अप्लाई हो या यूज हो, तभी वो एग्जम्प्ट होगी। इसमें कोई डाउट है, हेलो सर, इसको हिंदी में देख सकते हैं, इस तरह की आय भारत में ऐसे उद्देश्यों के लिए लागू होती है, मतलब इस उद्देश्यों के लिए वो यूज होनी चाहिए ऐसे इनकम, तभी वो एग्जम्प्ट होगी। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें, वेयर एनी सच इनकम इज अक्यूमुलेटेड। अब मान लीजिए उन्होंने क्या किया, वो जो भी इनकम आई, मान लीजिए जो भी रेंट आया, ठीक है, मान लीजिए 10,000 रुपीज़ रेंट आया, तो उन्होंने अभी यूज़ नहीं किया, हम उन्होंने सोचा कि चलो हम
उसको इकट्ठा करते हैं और 6 मंथ के बाद हम उसको यूज करेंगे। ठीक है, उन्होंने इकट्ठा कर लिया और 6 मंथ के बाद यूज कर लिया। ठीक है, तो वो अक्यूमुलेटेड भी कर सकती है, अक्यूमुलेट कर सकती है उसको, उसको हिंदी में बोलेंगे संचित, वो संचित कर सकती है, इकट्ठा कर सकती है। तो वेयर एनी सच इनकम इज अक्यूमुलेटेड, मतलब कोई भी ऐसी इनकम अगर अक्यूमुलेट कर ली गई है और सेट अपार्ट फॉर अप्लीकेशन, मतलब सेट अपार्ट मतलब अलग रख दी गई है, मतलब कि कुछ हिस्सा उसका अलग रख दिया गया कि उनको हम बाद में यूज करेंगे, फॉर अप्लीकेशन टू सच पर्पज, जो जिस पर्पज के लिए वो ट्रस्ट बनाई गई है उसको उसमें यूज करने के लिए उन्होंने उस फंड को अलग रख दिया। ठीक है, अभी हम इंडिया की बात कर रहे हैं। टू द एक्सटेंट टू विच द इनकम सो अक्यूमुलेटेड और सेट अपार्ट इज नॉट इन एक्सेस ऑफ 15%। इसका मतलब वो जो अलग कर रही है, मान लीजिए उसने 1 लाख रुपीज़ अगर कमाए हैं, अगर उन्होंने 1 लाख रुपीज़ कमाए हैं तो वो 15% उसका जो 1 लाख का जो 15% मीन्स कि 15,000 ही वो अलग कर सकती है। ठीक है, 15% से ज़्यादा अलग नहीं कर सकती, 15,000 से ज़्यादा अलग नहीं कर सकती वो। 15,000 इसलिए बता रहा हूँ कि टोटल ये मान के चलो कि 1 लाख रुपीज़ उसने इनकम कमाई है प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट से। तो इसका क्या मतलब हुआ कि 85% उसको उस पर्पज के लिए यूज करना ही करना है, या ऐसे देख सकते हैं इन अदर वर्ड ए मिनिमम ऑफ 85% ऑफ द इनकम ड्राइव फ्रॉम द ट्रस्ट प्रॉपर्टी शुड बी अप्लाइड फॉर चैरिटेबल पर्पज। ठीक है, मतलब 85% उसको यूज करना ही करना पड़ेगा, ओनली वो 15% ही अलग रख सकती है फंड को, एक्यूमुलेट कर सकती है, 85% को उसको यूज करना ही करना पड़ेगा। हिंदी में देख सकते हैं जहाँ ऐसी कोई आय संचित होती है, मतलब उसने इकट्ठा कर लिया, या भारत में ऐसे उद्देश्यों के लिए उपयोग के लिए अलग रखी जाती है, अलग रख लिया उसने, उस सीमा तक जिस तक आय इस तरह संचित या अलग रखी गई है ऐसी संपत्ति से आय के 15% से अधिक नहीं है, मतलब 15% से ज़्यादा नहीं हो सकती वो। इसका मतलब ये है कि न्यूनतम 85% भारत में धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए लागू किया जाना चाहिए, मतलब कि मिनिमम 85% वो यूज करें। तो फर्स्ट पॉइंट तो ये आ गया, अगर वो पूरी पूरी यूज करती है तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरा पूरा एग्जम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, और अगर वो पूरी यूज नहीं करती है तो 85% एग्जम्प्ट हो जाएगा, वो मैक्सिमम 15% ही अलग कर सकती है। अब सेकंड पॉइंट देखिए, सेकेंड पॉइंट है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट विच इज अप्लाइड इन पार्ट, वो पूरा था अब ये पार्ट में है कि उसका पार्ट में अप्लाई कर रहा है, पार्ट में यूज कर रहा है। तो इसमें देखिए क्या रूल है, टू द एक्सटेंड सच इनकम इज अप्लाइड, जो भी इनकम अप्लाई हुई है, जो भी इनकम आई है, जो भी मतलब कोई भी प्रॉपर्टी है उसने मान लो पार्ट में यूज कर रहा हो ट्रस्ट के लिए, तो उससे जो भी इनकम आई है इंडिया में फॉर सच पर्पज, मतलब जितनी भी इनकम आई है पूरी पूरी टैक्स फ्री हो जाएगी। टू द एक्सटेंड सच इनकम इज अप्लाइड, कि उसने पूरी इनकम जो भी आई है वो अप्लाई कर दी है उस पर्पज के लिए, इनकम इज अप्लाइड इन इंडिया, इंडिया में वो इनकम अप्लाई कर दिया, मतलब जिस पर्पज के लिए उसने वो पैसा कमाया है या ट्रस्ट बनाई है तो वो उस पर्पज के लिए उसने यूज कर लिया है। ठीक है, तो उसकी पूरी पूरी एग्जम्प्ट हो जाएगी, जैसे हमने फर्स्ट पॉइंट में बताया था, फर्स्ट पॉइंट में बताया था, बट फर्स्ट पॉइंट में क्या था, वो पूरी की पूरी यूज हो रही है ट्रस्ट के लिए, बट यहाँ पर पार्टली यूज हो रही है ट्रस्ट के लिए। ठीक है, तो पार्टली यूज हो रही है तब भी वो पूरी की पूरी एग्जम्प्ट हो जाएगी, बट उसका एक वो है प्रोवाइडेड, मतलब उसका एक शर्त है, शर्त क्या है, द ट्रस्ट इन क्वेश्चन इज क्रिएटेड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। ये जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 बना था, ठीक है, ये बना था 1462 को, तो उससे पहले वो ट्रस्ट बनी होनी चाहिए, कमिंसमेंट मतलब उससे पहले वो ट्रस्ट बनी होनी चाहिए, अगर उससे पहले कोई ट्रस्ट बनी है तो वो पार्टली प्रॉपर्टी को यूज करके अपनी इनकम जो भी कमाती है वो एग्जम्प्ट करा सकती है। अगर उसके बाद बनी है ट्रस्ट, 1962 के बाद अगर ट्रस्ट बनी है तब ये रूल अप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, तब उसको अगर पार्टली यूज कर रही है तो उसका कोई भी एग्जम्प्ट नहीं होगा। तो पार्टली अगर यूज है तो उसको मिनिमम 1 अप्रैल 1965 से पहले शुरू होना जरूरी है। तो भारत में इस तरह की आय को इस तरीके के उद्देश्यों के लिए लागू किया जा सकता है, बशर्ते आयकर अधिनियम 1961 के शुरू होने से पहले ये बनाया गया हो, मतलब 1-4-1962 से पहले ये ट्रस्ट बनी हो। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि वो सेम रूल अप्लीकेबल होगा कि
कि 85% उसको यूज कर सकता है और 15% वो अपना अलग रख सकता है, वो 15% वो अगले साल यूज करके वहां पर एग्जम्प्ट वो कर सकता है। ये सेम रूल है। तो ए पार्ट ए में हमने बताया था ना कि 15% वो अक्यूमुलेट कर सकता है, वो 85% उसको मिनिमम यूज करने ही करना पड़ेगा, वो सेम रूल इसमें अप्लीकेबल है। ठीक है, कोई डाउट है इसमें? तो नो सर। अब थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट आउटसाइड इंडिया वाला है कि अगर वो आउटसाइड इंडिया चैरिटेबल पर्पज के लिए काम कर रही है। इसमें देखिए क्या रूल है, इसमें फर्स्ट रूल है इनकम ड्राइव्ड फ्रॉम द प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट। ये तो सेम है सब में कि प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट उसे इनकम रिसीव होती है, क्रिएटेड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 1952। मतलब कि कोई भी ऐसी ट्रस्ट है जो प्रॉपर्टी उसने रख रखी है और उसे इनकम आती है, और वो कब क्रिएट हुई है, क्रिएटेड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 1952। आप बस डेट याद रखिए, ये था 1961 से पहले, 1 अप्रैल 1962 बोल सकते हो, 1 अप्रैल 1962 से पहले, या बोल सकते हो इनकम टैक्स एक्ट 1961 जब लागू हुआ तो 1 अप्रैल 1962 से पहले अप्लाई हो, मतलब कि ये ट्रस्ट क्रिएट हो, तब वो पार्ट में यूज कर सकती है। और अगर आउटसाइड इंडिया अगर उसको यूज करना है तो वो 1 अप्रैल 1952 के बाद ही ये क्रिएट हो, पहले नहीं। तो इनकम ड्राइव फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट, जो प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट है उससे जो इनकम आएगी वो एग्जम्प्ट हो जाएगी अगर वो 1 अप्रैल 1952 से के बाद अगर क्रिएट हुई है, क्रिएटेड ऑन और आफ्टर 1952 एक अप्रैल, फॉर चैरिटेबल पर्पज विच टेंड टू प्रमोट इंटरनेशनल वेलफेयर। और उसका पर्पज क्या होना चाहिए, उसका पर्पज होना चाहिए वो प्रमोट करे इंटरनेशनल वेलफेयर इन विच इंडिया इज इंटरेस्टेड। इंडिया जिसमें अगर इंटरेस्टेड है, कोई इंटरनेशनल वेलफेयर में इंटरेस्ट है, उसको प्रमोट करे, उसका ये पर्पज होना चाहिए। ठीक है, तो उसकी जो भी इनकम होगी वो एग्जम्प्ट हो जाएगी टू द एक्सटेंट विच सच इनकम इज अप्लाइड, और वहाँ तक एग्जम्प्ट होगी जितनी वो उसने खर्च की है उस पर्पज के लिए। ठीक है, और टू सच पर्पज आउटसाइड इंडिया, मतलब आउटसाइड इंडिया में जो भी इनकम उसने खर्च की है उस पर्पज के लिए, जिस पर्पज के लिए वो बनाया गया है। पर्पज क्या है, प्रमोट इंटरनेशनल वेलफेयर इन विच इंडिया इज इंटरेस्टेड, उस पर्पज के लिए वो बनाई गई हो और 1 अप्रैल 1952 के बाद वो बनाई गई हो, तो उससे जो भी इनकम आएगी वो पूरी पूरी एग्जम्प्ट हो जाएगी जितनी उसने खर्च किया है। बट इसमें रिलीजियस ट्रस्ट आर नॉट कवर्ड, इसमें रिलीजियस ट्रस्ट कवर्ड नहीं है, ओनली चैरिटेबल पर्पज ही कवर्ड है। ठीक है, इसमें चैरिटेबल पर्पज ही कवर है, रिलीजियस पर्पज कवर नहीं है, ये आप ध्यान रखना, इसमें रिलीजियस ट्रस्ट आर नॉट कवर्ड। अब हिंदी में देख सकते हैं, धर्मार्थ उद्देश्य के लिए 1 अप्रैल 1952 को या उसके बाद बनाई गई कोई ट्रस्ट है, ठीक है, और के तहत रखी गई कोई संपत्ति है उससे आय प्राप्त होती है, और जो अंतर्राष्ट्रीय कल्याण को बढ़ावा देती है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय कल्याण को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है, जिसमें भारत का हित है, जिससे भारत को फायदा हो रहा है या भारत इंटरेस्टेड है, तो उस सीमा तक छूट दी जाएगी। कौन सी सीमा तक छूट दी जाएगी, जितना वो यूज कर लेता है, जिस सीमा तक ऐसी आय भारत के बाहर ऐसे उद्देश्यों के लिए लागू होती है या वो यूज हो गई है। और धार्मिक ट्रस्ट यहाँ शामिल नहीं है, इसमें चैरिटेबल ट्रस्ट ही शामिल होगी, रिलीजियस ट्रस्ट शामिल नहीं होगी। इसमें कोई डाउट है? डॉक्टर अब देखिए इसी में दूसरा पॉइंट आता है कि इसमें पहले मैंने बताया था 1 अप्रैल 1952 के बाद वो स्टार्ट हुई हो, अगर उससे पहले स्टार्ट हो तो क्या होगा, तो उससे पहले भी अगर वो स्टार्ट होगी तब भी उसकी एग्जम्प्ट हो जाएगी, बट उसमें बस ये छूट है कि उसको कुछ ज़रूरी नहीं है कि वो इंटरनेशनल वेलफेयर के लिए ही बनाई जाए, वो कोई भी नॉर्मल पर्पज़ के लिए बनाई जा सकती है अगर वो 1 अप्रैल 1952 के पहले अगर वो क्रिएट हुई है। अगर 1 अप्रैल 1952 के बाद क्रिएट हुई है तब तो वो इंटरनेशनल वेलफेयर के लिए ही ज़रूरी है, अगर 1 अप्रैल 1952 से पहले वो बनाई गई है तब ज़रूरी नहीं है कि वो इंटरनेशनल पर्पज़ के लिए हो। तो इनकम ड्राइव फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट फॉर चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पज़ क्रिएटेड बिफोर 1 अप्रैल 1952, 1 अप्रैल 1952 से पहले क्रिएट हुई है, शैल बी एग्जम्प्ट टू द एक्सटेंट टू विच सच इनकम इज अप्लाइड। मतलब कि वहाँ तक वो इनकम एग्जम्प्ट हो जाएगी जितनी उसने अप्लाई की है आउटसाइड इंडिया में। ठीक है, और इसमें चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट दोनों अप्लीकेबल है, बस धार्मिक ट्रस्ट यहाँ अप्लीकेबल नहीं थी फर्स्ट वाले पॉइंट में।
अब इसमें देखिए एक थर्ड पॉइंट भी है, तो इन द एबव टू केसेस, ये दो हमने अभी जो केस बताए हैं कि 1 अप्रैल 1952 से पहले वाले और 1 अप्रैल 1952 के बाद वाले, तो दोनों के केस में देखिए उसको एक शर्त और पूरी करनी होगी। इन द एबव टू केसेस इट इज़ नेसेसरी, क्या नेसेसरी है, दैट द बोर्ड बाई जर्नल और स्पेशल ऑर्डर, दैट द बोर्ड बाई जर्नल और स्पेशल ऑर्डर हैज़ डायरेक्टेड इन आइदर केस, मतलब कि जो भी बोर्ड है इनकम टैक्स का वो एक बोर्ड है, वो जर्नल या स्पेशल ऑर्डर निकाले, या तो जर्नल ऑर्डर निकाले या स्पेशल ऑर्डर निकाले, ठीक है, और वो डायरेक्ट करे, हैज डायरेक्टेड मतलब कि वो बताए उसको, इन आइदर केस दैट इट शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ द पर्सन इज रिसीव्ड ऑफ सच इनकम, मतलब उपयुक्त दो मामलों में यह आवश्यक है कि बोर्ड ने सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, एक सामान्य आदेश या विशेष आदेश द्वारा किसी भी मामले में निर्देश दिया हो, मतलब डायरेक्ट किया हो या निर्देश दिया हो कि ऐसी आय प्राप्त करने वाले व्यक्ति की कुल आय में उसे शामिल नहीं किया जाएगा, मतलब इनकम टैक्स का एक बोर्ड है वो बताए कि इसमें शामिल इनकम टैक्स में, मतलब इनकम में शामिल नहीं किया जाएगा, ऐसा वो डायरेक्ट करे कोई विशेष आदेश द्वारा या सामान्य आदेश द्वारा, तभी दोनों की इनकम एग्जम्प्ट होगी। अब फोर्थ पॉइंट हमारा, फोर्थ पॉइंट देखिए, वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर्मिंग पार्ट ऑफ कॉर्पस, मतलब कोई मान लो वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन करता है, मान लीजिए किसी ने 5 लाख रुपीज़ दे दिए उसको, और 5 लाख रुपीज़ दे दिए तो, और वो मतलब कि इनकम कमाने के लिए नहीं दिया है, वो बस कॉर्पस बढ़ाने के लिए दिया है कि उसकी संपत्ति बढ़ाने के लिए दिए हैं, ठीक है, इनकम कमाने के लिए नहीं दिया, तो कॉर्पस का हिस्सा बनने वाले स्वैच्छिक योगदान बोलते हैं इसको। तो इसमें देखिए क्या रूल है, इनकम इन द फॉर्म ऑफ वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन, कोई भी वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन से जो भी इनकम आएगी, मेड विद ए स्पेसिफिक डायरेक्शन, कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन, दैट दे शैल फॉर्म पार्ट ऑफ द कॉर्पस ऑफ द ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन शैल बी फुली एग्जम्प्ट, कि कोई भी वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन करता है और स्पेसिफिक वो डायरेक्शन देता है कि नहीं ये इस पर्पज के लिए यूज होनी चाहिए, ठीक है, और उससे कोई भी अगर इनकम आती है तो वो कॉर्पस का हिस्सा मानी जाएगी और उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, वो एग्जम्प्ट होगा। तो एक विशिष्ट दिशा के साथ दिए गए, मतलब कि कोई भी पर्पज के लिए दिए गए स्वैच्छिक योगदान, कोई भी किसी ने योगदान दिया है के रूप में आए, अगर कोई भी आय आती है तो वो ट्रस्ट या संस्था के कॉर्पस का हिस्सा मानेंगे, मतलब कैपिटल का हिस्सा मानेंगे, वो पूरी तरीके से छूट दी जाएगी उस पर। और सेकेंड पॉइंट है, ये जो 85% वाला जो कंसेप्ट है ये इस पर अप्लीकेबल नहीं होगा, कॉर्पस पे अप्लीकेबल नहीं होगा, कि द कंडीशन दैट, क्या कंडीशन थी, कि एटलीस्ट 85% ऑफ द इनकम शुड बी अप्लाइड, कि 85% इनकम अप्लाई करे, ये वाला रूल अप्लीकेबल नहीं है इस पर, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इन विच इट इज अर्नड इज नॉट अप्लीकेबल, ये रूल अप्लीकेबल नहीं है इस पर। तो हमारे फोर्थ पॉइंट हो गया, चार पॉइंट हो गए हमारे, अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, इसमें कोई डाउट हो तो बताइए पुराने वाले में। अब देखिए इसके नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताया है, हाउ टू फाइंड आउट एग्जम्पशन, कि एग्जम्पशन की हम कैलकुलेशन करेंगे कैसे, हाउ टू फाइंड आउट एग्जम्पशन ऑफ इनकम, जो इनकम की एग्जम्पशन है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, इन केस ऑफ चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट अंडर सेक्शन 11, तो 11 तो अप्लीकेबल ही है, तो धारा 11 के तहत धारा 11 के तहत धर्मार्थ या धार्मिक ट्रस्ट के मामले में आय की छूट का पता कैसे लगाए। तो इसके लिए पहले स्टेप वन क्या है, कि इनकम की कैलकुलेट करेंगे, इनकम या आय को कैलकुलेट करेंगे, कि फाइंड आउट टैक्सेबल इनकम ऑफ द ट्रस्ट, ट्रस्ट की टैक्सेबल इनकम हम कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले। अब इनकम कैलकुलेट करने के बाद स्टेप आएगी टू, एग्जम्पशन, अब छूट, हम एग्जम्पशन के प्रोविजन देख रहे हैं तो हम छूट या एग्जम्पशन के प्रोविजंस अप्लाई कर देंगे, तो कौन कौन सी एग्जम्पशन मिलेगी उसको, एक तो मिलेगी जर्नल एग्जम्पशन 15% वाली, कि 15% ऑफ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड, जो भी प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर चैरिटेबल रिलीजियस पर्पज है उससे कोई भी अगर इनकम आती है तो इज एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स, तो टैक्स से एग्जम्प्ट है अंडर सेक्शन 11, इट कैन बी एक्यूमुलेटेड फॉर फर्दर विदाउट एनी स्पेसिफिक टाइम फ्रेम, तो वो फर्दर वो यूज कर सकती है उस इनकम को एक्यूमुलेट करके, तो मिनिमम वो 15% एक्यूमुलेट कर सकती है, और उसका 15% एक्यूमुलेट करके वो आगे उसका बेनिफिट ले सकती है। तो
तो ये तो है जनरल एग्जम्पशन। या इसको हिंदी में अगर देखें, धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्यों के लिए आयोजित संपत्ति से आय का 15% धारा 11 के तहत कर से मुक्त है। इसे बिना किसी विशिष्ट समय सीमा के भविष्य के लिए संचित किया जा सकता है, मतलब भविष्य के लिए कभी भी संचित करके यूज किया जा सकता है इसको। ये तो जनरल एग्जम्पशन हो गया। उसके बाद आता है एग्जम्पशन बेस्ड अपॉन अप्लीकेशन ऑफ इनकम। अब अप्लीकेशन ऑफ इनकम से 85% हमने बताया था कि मिनिमम उसको 85% उसको यूज करना ही करना होगा। तो अगर वो 85% उसको अगर यूज करना ही है, इसका मतलब 85% की उसको एग्जम्पशन मिल जाएगी। तो एग्जम्पशन बेस्ड अपॉन अप्लीकेशन ऑफ इनकम मतलब जो भी इनकम आई है उसको अप्लाई करना है उसको। ये तो संचित करके हमने एग्जम्पशन लिया था कि 15% संचित करके हमने कभी भी एग्जम्पशन ले लिया, और ये फंड को यूज करके एग्जम्पशन मिलेगा 85%। तो रिमेनिंग 85% ऑफ द इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर चैरिटेबल रिलीजियस पर्पज इज एग्जम्प्ट इफ इट इज अप्लाइड फॉर चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पज। चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पज के लिए उसने अप्लाई कर दिया है या यूज कर लिया है। ये हिंदी में देखेंगे आय के आवेदन के आधार पर छूट, मतलब कि जो भी आया है, आय आई है, उसको हम कैसे यूज करेंगे। तो धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्यों के लिए रखी गई संपत्ति से आय का 85% छूट प्राप्त है, ठीक है, क्योंकि उसने 85% यूज कर लिया है। यदि इसे भारत में धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्यों के लिए लागू किया गया है या यूज किया गया, फिर उसको एग्जम्पशन बेस्ड अपॉन अक्यूमुलेशन। अब अक्यूमुलेशन पे मिलेगा। वेयर 85% ऑफ द इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर चैरिटेबल रिलीजियस पर्पज इज नॉट अप्लाइड फॉर चैरिटेबल पर्पज, अगर चैरिटेबल पर्पज के लिए अप्लाई नहीं किया है उसने ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, इट कैन बी एक्यूमुलेटेड और सेट अपार्ट फ्रॉम अप्लीकेशन फॉर इन फ्यूचर। वो फ्यूचर के लिए भी यूज कर सकती है, वो फ्यूचर में कभी भी उसको अप्लाई कर सकती है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट आता है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट का मतलब क्या है। हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट, बट इसका मतलब क्या है, मतलब कि प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट से जो इनकम आती है तो उसमें कौन कौन सी इनकम आती है। हम सीधे सीधा ये बोल सकते हैं जो प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट है उससे कौन कौन सी इनकम आती है। जो सेक्शन 12 है, तो ट्रस्ट के तहत धारित संपत्ति से आए, तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट शैल इंक्लूड, मतलब कौन कौन सी इनकम इंक्लूड करेगा। ये फर्स्ट है वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव्ड, कोई भी वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव हुआ है बाई ए होली चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट, ठीक है, एक्सक्लूडिंग कॉर्पस डोनेशन। कॉर्पस डोनेशन तो हमने ऊपर पढ़ा था कि कॉर्पस डोनेशन के अलावा अगर किसी ने वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन किया है, और किसमें किया है, होली चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पज के लिए, वो पूरा ऊपर आया उस पर्पज के लिए अगर यूज हो रहा है, और उसमें अगर वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ है तो वो भी इनकम का पार्ट माना जाएगा। तो पूरी तरह से धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्य द्वारा प्राप्त स्वैच्छिक योगदान कोई भी है कॉर्पस दान को छोड़कर इनकम मानी जाएगी। वो किससे इनकम मानी जाएगी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट से। दूसरा है वैल्यू ऑफ एनी मेडिकल और एजुकेशनल सर्विस, कोई भी मेडिकल सर्विस दे रहा है कोई ट्रस्ट, या कोई एजुकेशनल सर्विस दे रहा है, ठीक है, प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट, कि फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है किसी को सर्विस, या एट कंसेशनल रेट दे रहा है कि मान लो 10 रुपये में दे दी, 15 रुपये में दे दी बाई ए चैरिटेबल रिलीजियस ट्रस्ट। कोई भी चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट है वो एजुकेशनल और मेडिकल फैसिलिटी दे रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है या कंसेशनल रेट से दे रहा है, ठीक है। रनिंग ए हॉस्पिटल और मेडिकल इंस्टीट्यूशन और ए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, और किसके थ्रू दे रहा है, कोई हॉस्पिटल रन कर रहा है या मेडिकल इंस्टीट्यूशन रन कर रहा है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रन कर रहा है, ठीक है, और किसको दे रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, देखो किसको दे रहा है, जनरल पब्लिक को नहीं दे रहा है, पर्सन स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 13(3), कुछ पर्सन है जो स्पेसिफाइड है सेक्शन 13(3) में, उनको दे रहा है। अगर जनरल पब्लिक को दे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उस पर्पज के लिए तो बनाया गया था, बट मान लीजिए उसके जो मेन डोनेशन वाले बंदे हैं या उसके मालिक हैं उनको अगर वो दे रहा है, ठीक है, तो उस पर्पज़ के लिए वो बनाया नहीं था, तो इसका मतलब ये फंड अप्लाई नहीं माना जाएगा, ठीक है, तो और उसकी इनकम मान ली जाएगी। हम इनकम की बात कर रहे हैं, कौन कौन सी इनकम मानी जाएगी, तो वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन जो कॉर्पस वाला डोनेशन नहीं है वो इनकम मानी जाएगी, और कोई भी मेडिकल एजुकेशनल सर्विस जो फ्री ऑफ कॉस्ट या कंसेशनल रेट पे दे रहा है, किनको दे रहा है, कुछ पर्सन है जो स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 13(3) में है। अगर
अगर उनको दे रहा है तो क्या होगा, तो सच वैल्यू शैल बी ट्रीटेड एज टैक्सेबल इनकम एंड शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर एग्जम्पशन। ये जो हमने फोर पार्ट में जो एग्जम्पशन देखी है उसमें ये अप्लीकेबल नहीं होगा, उस पर टैक्स लगेगा, इस पर एग्जम्पशन अप्लीकेबल नहीं होगी और ये इनकम मान ली जाएगी। अब देखिए हिंदी में देख सकते हैं, धारा 13(3) के तहत निर्दिष्ट व्यक्ति को अस्पताल या चिकित्सा संस्थान या स्वैच्छिक संस्थान चलाने वाले धर्मार्थ या धार्मिक ट्रस्ट द्वारा निःशुल्क या रियायती दर पर कोई सर्विस कौन सी, चिकित्सा या शैक्षिक सेवाओं का मूल्य कोई भी है वो अगर प्रोवाइड करता है तो वो इनकम मान लिया जाएगा। तो इस तरीके के मूल्य को कर योग्य आय के रूप में माना जाएगा और यह धारा 11 के तहत छूट के पात्र नहीं होगा, इस पर कोई भी छूट नहीं मिलेगी। अब देखिए थर्ड क्या है, थर्ड एक स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक क्या है, अमाउंट ऑफ डोनेशन रिसीव्ड, कोई भी डोनेशन रिसीव हुआ है वो किससे हुआ है, ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन, कोई भी ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन से हुआ है। सेटअप फॉर द पर्पज ऑफ, किस पर्पज के लिए वो सेटअप हुआ था, प्रोवाइडिंग रिलीफ टू द अर्थक्वेक विक्टिम्स इन गुजरात, गुजरात में जब अर्थक्वेक आया था तो उनके लोगों को अगर कोई भी ट्रस्ट मतलब कोई ट्रस्ट बना के उनको कोई डोनेशन दिया गया था, ठीक है, मतलब वहाँ से कोई डोनेशन आया था, मतलब कुछ लोगों ने डोनेशन प्रोवाइड किया था कोई ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन को, ठीक है, और किस पर्पज के लिए वो बनाई की थी ट्रस्ट और ये इंस्टीट्यूशन, अर्थक्वेक विक्टिम्स इन गुजरात, कि गुजरात के जो अर्थक्वेक जो विक्टिम्स हैं उनको हेल्प देने के लिए कोई ट्रस्ट बनाई गई थी। इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द अकाउंट्स ऑफ इनकम, जो इनकम के जो भी अकाउंट्स एंड एक्सपेंडिचर हैव नॉट बिन रेंडर्ड टू द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी, जो भी इनकम टैक्स अथॉरिटी है उसको अकाउंट्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर नहीं दिए गए थे इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर, जो प्रिस्क्राइब्ड मैनर है वो प्रोवाइड नहीं कराया गया, हैज बिन रेंडर्ड टू द प्रिस्क्राइब्ड मैनर, हैव नॉट बिन रेंडर्ड, मतलब कि प्रिस्क्राइब्ड मैनर में उनको नहीं दिया गया था अकाउंट्स उसके, या बोल सकते हैं उसका हिसाब किताब उनको नहीं दिया गया था, और अर्थक्वेक विक्टिम्स गुजरात के लिए वो बनाया गया था ट्रस्ट और डोनेशन रिसीव हुआ था, और विच इज़ यूटिलाइज फॉर सम अदर पर्पज, और कुछ अदर पर्पज के लिए वो यूज़ हो गया, ठीक है, और रिमेन अनयूटिलाइज एंड इज नॉट ट्रांसफर टू द प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, और जो यूटिलाइज नहीं हुआ वो प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में नहीं दिया गया ऑन और बिफोर 31/3/2004, तो शैल बी डिम टू बी टैक्सेबल इनकम, तो उसकी वो टैक्सेबल इनकम मान ली जाएगी। ये हिंदी में देख सकते हैं, गुजरात में भूकंप आया तो उनके पीड़ितों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से स्थापित एक ट्रस्ट मतलब संस्थान या ट्रस्ट बनाया गया, तो उनके द्वारा कोई भी अगर दान प्राप्त किया गया कोई और इसके संबंध में आय और व्यय के खाते निर्धारित प्राधिकारी को निर्धारित तरीके से प्रस्तुत नहीं किया गया, कोई भी उसका हिसाब किताब है वो इनकम टैक्स अथॉरिटी को नहीं दिया गया, या किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग कर लिया गया, ठीक है, न तो हिसाब किताब दिया गया ना कोई उस पर्पज के लिए यूज हुआ हो, और यूज भी नहीं हुआ तो जो मैंने राहत कोष जो है हमारा जो हमारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष है उसमें भी ट्रांसफर नहीं हुआ तो ये पूरा का पूरा उसका इनकम मान लिया जाएगा। तो थ्री टाइप ऑफ इनकम हमने देखी है अभी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट, तो प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट है उसे कौन कौन सी इनकम हम मान सकते हैं। अब देखिए जो मैंने बताया था ना स्पेसिफाइड पर्सन को वो अगर बेनिफिट देता है, मैंने यहाँ बताया था ये स्पेसिफाइड पर्सन अंडर सेक्शन 13(3) वो कौन है, ये देखिए वो आर स्पेसिफाइड पर्सन फॉर ट्रस्ट, ट्रस्ट के लिए निर्दिष्ट व्यक्ति कौन है, तो फॉलोइंग आर कंसिडर्ड एज स्पेसिफाइड पर्सन एज पर सेक्शन 13(3) ऑफ आईटी एक्ट, मतलब इनकम टैक्स एक्ट 1961 में 13(3) में स्पेसिफाइड पर्सन ये है, देखिए कौन है, फर्स्ट है ऑथर या फाउंडर ऑफ ट्रस्ट, मतलब कि ट्रस्ट का जो निर्माता है या न्यास का जो संस्थापक है उसको मान लो कोई बेनिफिट दिया गया है, या पर्सन हु मेड डोनेशन ऑफ मोर देन 50,000 रुपीज, कि जो भी 50,000 रुपये से अधिक का दान करने वाला कोई व्यक्ति है उसको कोई बेनिफिट दिया गया एक्स्ट्रा, वो कौन सा बेनिफिट, मेडिकल सर्विस फ्री में दी गई है या एजुकेशनल सर्विस फ्री में दी गई है सॉरी या कोई ट्रस्टी और मैनेजर है उसका, कि ट्रस्टी या ट्रस्ट के प्रबंधक है। उसके बाद रिलेटिव ऑफ फाउंडर डोनर मेंबर और ट्रस्टी और मैनेजर, मतलब ये जो हमने पढ़े हैं उनके अगर रिलेटिव्स हैं, ठीक है, संस्थापक दाता सदस्य ट्रस्टी और के रिश्तेदार है, साथ में एनी कंसर्न, वन सेकेंड,
लास्ट का है एनी कंसर्न इन विच एनी ऑफ द एबो पर्सन हैज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, या फिर कोई सब्सटेंशियल इंटरेस्ट रखते हैं। मान लीजिए उनका मान लीजिए पार्टनरशिप है वो बहुत ज़्यादा परसेंटेज है, तो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट वो रखते हैं ट्रस्ट में, तो इनको अगर कोई भी बेनिफिट दिया गया है तो वो स्पेसिफाइड पर्सन माने जाएंगे। अब देखिए, अब शुरू से हम पढ़ते आ रहे हैं कि मीनिंग ऑफ प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट। अब आ गया है कि प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट का मतलब क्या है। हमने पहले पढ़ा था इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट, अब है प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट का मतलब क्या है, कि ट्रस्ट के तहत आयोजित संपत्ति का अर्थ क्या है या धारित संपत्ति का अर्थ क्या है। इसमें देखिए, द एक्सप्रेशन प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी जो यूज हुई है यहाँ पर, या जो प्रॉपर्टी जो यूज हुई है इन सेक्शन 11 हैज द वाइडेस्ट एम्पलीट्यूड, मतलब कि बहुत बड़ा इसका मतलब निकलता है। इट इंक्लूड ए बिजनेस अंडरटेकिंग, इसमें बिजनेस अंडरटेकिंग भी इंक्लूड है। इट सर्टेनली टेक इन मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी, इसमें मूवेबल प्रॉपर्टी भी इंक्लूड है, इमूवेबल प्रॉपर्टी भी इंक्लूड है, और जैसे मनी हो गया, शेयर हो गया, सिक्योरिटीज, लैंड्स, बिल्डिंग्स एंड हाउस, ये सारा इसमें इंक्लूड है प्रॉपर्टी में। इट मे कंप्राइज ऑफ एन इंटरेस्ट इन ए पार्टनरशिप फर्म, कोई भी पार्टनरशिप फर्म में अगर कोई इंटरेस्ट है वो भी इसमें आ जाएगा। अब देखिए, धारा 11 में प्रयुक्त अभिव्यक्ति संपत्ति का आयाम सबसे व्यापक है, मतलब इसका जो अर्थ है बहुत व्यापक है। इसमें व्यावसायिक उपक्रम भी शामिल है, इसमें व्यावसायिक उपक्रम शामिल है। यह निश्चित रूप से चल या अचल संपत्ति, जो हमने भी देखा था मूवेबल और अनमूवेबल प्रॉपर्टी, इसमें इंक्लूड है, जैसे पैसा, शेयर, प्रतिभूतियां, भूमि, भवन और घर, सारे इसमें आते हैं। या साझेदारी फर्म में कोई रुचि शामिल हो सकती है या इंटरेस्ट शामिल हो सकता है। अब देखिए नेक्स्ट, हाउएवर इफ मेयरली द इनकम एंड नॉट द प्रॉपर प्रॉपर्टी आउट ऑफ विच द इनकम अराइज, मतलब कि ये तो हमने पढ़ा था कि इनकम से जो इनकम आ रही है वो प्रॉपर्टी से आ रही है, बट कोई भी अगर हम कोई भी इनकम है वो किसी को हमने किसी को दे दी, ठीक है, प्रॉपर्टी नहीं दी, बस इनकम दे दी हमने किसी को, तो हमने सेक्शन 60 इस पे अप्लीकेबल हो जाएगा, क्लबिंग ऑफ इनकम अप्लीकेबल हो जाएगा इस पर, कि यदि केवल आय और न कि वह संपत्ति, कोई आय है जिससे आप आय उत्पन्न होती है, कोई आय से अगर आय उत्पन्न होती है, प्रॉपर्टी से नहीं, आय से अगर आय उत्पन्न होती है, ये धर्मार्थ धार्मिक ट्रस्ट के तहत आयोजित की जाती है, तो ऐसी आय के संबंध में धारा 11 के तहत कोई भी छूट नहीं दी जाएगी। अगर आय से आय प्राप्त हो रही है तो उसमें छूट नहीं है, प्रॉपर्टी से आय प्राप्त होनी चाहिए, उसमें धारा 60 के प्रोविजन अप्लीकेबल हो जाएंगे, मतलब कि क्लबिंग ऑफ इनकम के प्रोविजन अप्लीकेबल हो जाएंगे। अब नेक्स्ट देखिए, मीनिंग ऑफ चैरिटेबल पर्पज। अब चैरिटेबल पर्पज का मतलब क्या है, किसको हम चैरिटेबल पर्पज बोलेंगे, ये है आपके सेक्शन 215 में, ये जो डेफिनेशन वाला है उसमें ये आता है। इसमें देखिए, चैरिटेबल पर्पज का या धर्मार्थ उद्देश्य का अर्थ क्या है, तो चैरिटेबल पर्पज इंक्लूड, जो चैरिटेबल पर्पज है उसमें क्या क्या इंक्लूड है, रिलीफ ऑफ द पुअर, पुअर को रिलीफ देना, ठीक है, एजुकेशन, योगा भी इसमें इंक्लूड हो गया है 1 अप्रैल 2016 से, फिर मेडिकल रिलीफ कोई दे रहे हैं, ठीक है, प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट इंक्लूडिंग वाटर शेड्स, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एंड प्रिजर्वेशन फॉर मॉन्यूमेंट्स और प्लेसेज और ऑब्जेक्ट ऑफ आर्टिस्ट और हिस्टोरिक इंटरेस्ट एंड द एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट और जनरल पब्लिक, कोई भी जनरल पब्लिक यूटिलिटी का जो है उसको हमने एडवांसमेंट किया है। इसको हिंदी में देख सकते हैं कि धर्मार्थ उद्देश्य में गरीबों की राहत, मतलब गरीबों को राहत देना, शिक्षा, योग, चिकित्सा, राहत, पर्यावरण का संरक्षण, वाटर शेड, वन और अन्य जीवन सहित, और स्मारकों या कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि के स्थानों या वस्तुओं का संरक्षण, इसमें संरक्षण भी इंक्लूड है, और साथ में सामान्य सार्वजनिक उपयोगकर्ता के किसी अन्य वस्तु की उन्नति, मतलब कि कोई उन्नति के लिए हम अगर कोई भी पर्पज के लिए यूज, मतलब कि काम कर रहे हैं, तो वो धर्मार्थ उद्देश्य माना जाएगा। कोई डाउट है इसमें? नहीं अब इसमें एक पॉइंट आता है धर्मार्थ उद्देश्य में, ए पर्पज मस्ट इन ऑर्डर टू बी चैरिटेबल, उसका जो पर्पज है वो चैरिटेबल होना चाहिए।
बी डायरेक्टेड टू द बेनिफिट ऑफ द कम्युनिटी, कोई भी कम्युनिटी को बेनिफिट करे वो, और ए सेक्शन ऑफ द कम्युनिटी, कोई भी कम्युनिटी के सेक्शन को अगर बेनिफिट करे, एज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एनी इंडिविजुअल और ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, कोई भी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल से वो दिखेगी हाँ अलग हमने कुछ कर रहे हैं। एक उद्देश्य धर्मार्थ होने के लिए समुदाय या समुदाय के एक वर्ग के लाभ के लिए निर्देशित होना चाहिए, मतलब लाभ हम कोई भी समुदाय को दे सकते हैं, जैसा कि किसी व्यक्ति या व्यक्ति के समूह से अलग है, कोई ऐसा समुदाय है जो बेनिफिशियल, मतलब कि उसको हम बेनिफिट देने से कोई फायदा होगा, समाज को फायदा होगा, तो उसको हम रिलीजियस पर्पज बोलेंगे। वेयर द प्राइमरी पर्पज ऑफ द शेल्टर इज टू बेनिफिट द मेंबर ऑफ हिज फैमिली एंड रिलेशंस एंड ओनली रिमोटेडली एंड इनडायरेक्टली द जनरल पब्लिक, द ट्रस्ट इज नॉट अ चैरिटेबल ट्रस्ट। अब देखिए इस केस में वो चैरिटेबल ट्रस्ट नहीं है, कौन से केस में, जहाँ बसने वाले का प्राथमिक उद्देश्य अपने परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों को लाभ पहुँचाना है, मतलब कि इस पर्पज़ के लिए कर दिया कि उसके अपनी फैमिली के को ही बेनिफिट दे रहा हो, तो वो कोई रिलीजियस पर्पज़ नहीं माना जाएगा। उसके बाद देखिए नॉट नेसेसरली टू बेनिफिट होल ऑफ मैनकाइंड, मतलब कि संपूर्ण मानव जाति के लाभ के लिए आवश्यक नहीं है कि उसी के लिए बनाया जाए, कोई एक छोटे से ग्रुप के लिए वो बनाया जा सकता है। और नॉट नेसेसरली टू प्रोवाइड फ्री सर्विस, और ये भी जरूरी नहीं है कि वो फ्री सर्विस ही दे, वो कुछ इनकम भी कमा सकता है उससे। तो ये मतलब हो गया इसका मीनिंग ऑफ चैरिटेबल पर्पज का, जो डिफाइंड है सेक्शन 215 में। सॉरी कोई डाउट है इसमें अभी तक? फिर नेक्स्ट आता है मीनिंग ऑफ रिलीजियस पर्पज, हमने चैरिटेबल पर्पज का देखा था, वह है रिलीजियस पर्पज, तो रिलीजियस पर्पज का कोई भी मतलब नहीं दे रखा है, मतलब कोई भी मीनिंग इनकम टैक्स एक्ट में नहीं दे रखा है। अब जनरल मीनिंग देख लेते हैं, द एक्सप्रेशन रिलीजियस पर्पज हैज नॉट बिन डिफाइंड, ये डिफाइंड नहीं है इनकम टैक्स एक्ट में, तो रिलीजियस पर्पज आर नेसेसरली एसोसिएटेड विद रिलीजन, ये रिलीजन से एसोसिएटेड है सबको पता है, तो रिलीजन इज सर्टेनली ए मैटर ऑफ फेथ, ये फेथ का मैटर है विद इंडिविजुअल्स और कम्युनिटीज, जो भी इंडिया में जो कम्युनिटीज और इंडिविजुअल्स हैं उनके फेथ का मामला है, तो ये रिलीजन हैज इट्स बेसिक इन सिस्टम ऑफ बिलीफ और डॉक्ट्राइंस, तो बिलीफ और डॉक्ट्राइंस है, यह अभिव्यक्ति धार्मिक उद्देश्य अधिनियम के तहत परिभाषित नहीं किया गया है। धार्मिक उद्देश्य आवश्यक रूप से धर्म से जुड़े होते हैं, और एक धर्म निश्चित रूप से व्यक्ति या समुदाय के साथ आस्था का विषय है, ये पूरा पूरा आस्था का विषय है, ये कोई भी डिफाइन नहीं किया गया है, वो विश्वासों या संदिग्धातों के प्रणाली के रूप में धर्म का मूल है। ये आपके एग्जाम में शायद मुश्किल ही आए, ये मिनी वो रिलीज पर फिर भी मैंने बता दिया है, आपका जो आएगा वही आ सकता है, धर्मार्थ उद्देश्य का अर्थ जो सेक्शन 215 में डिफाइंड है, फिर भी आप देख सकते हैं इसको, मान लो ये बड़ा क्वेश्चन आ गया तो इसमें आप लिख सकते हैं। और रिलीजियस पर्पज इंक्लूड, रिलीजियस पर्पज में क्या इंक्लूड है, एडवांसमेंट सपोर्ट और प्रोपोगेशन ऑफ ए रिलीजन एंड इट्स टेनेट्स, धार्मिक उद्देश्य में किसी धर्म और उसके सिद्धांतों की उन्नति समर्थन या प्रचार प्रसार भी शामिल है। और द इनकम ऑफ ए रिलीजियस ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन इज इंटाइटल्ड टू एग्जम्पशन इवन थो इट मे बी फॉर द बेनिफिट ऑफ ए पर्टिकुलर रिलीजन, अगर कोई स्पेसिफिक रिलीजन या कम्युनिटी या कास्ट को भी अगर ये बेनिफिट पहुँचा रहा है तभी ये माना जाएगा कि रिलीजियस ट्रस्ट है और पूरा पूरा एग्जम्पशन मिलेगा इसमें। तो एक धार्मिक ट्रस्ट या संस्था की आय छूट की हकदार है, भले ही ये किसी विशेष धार्मिक समुदाय जाति के लाभ के लिए किया गया हो। अब लास्ट पॉइंट इसका इसी में, द एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 11 अवेलेबल टू पब्लिक रिलीजियस ट्रस्ट ओनली, ये पब्लिक रिलीजियस ट्रस्ट को ही ये एग्जम्पशन प्रोवाइड करता है, नॉट अवेलेबल टू ट्रस्ट फॉर प्राइवेट रिलीजियस पर्पज, कोई प्राइवेट रिलीजियस पर्पज है उस पर बेनिफिट अवेलेबल नहीं है, विच डज नॉट इंश्योर फॉर द बेनिफिट ऑफ पब्लिक, जो पब्लिक को बेनिफिट नहीं देता है उसके पर्पज के लिए नहीं है, ये पब्लिक पर्पज के लिए है कि पब्लिक कोई रिलीजियस पर्पज के लिए अगर ट्रस्ट बनाई और जो पब्लिक को बेनिफिट दे रही है उसी पर ही अप्लीकेबल है इसका एग्जम्पशन। तो थ्योरेटिकल पार्ट हो गया हमारा, बस कुछ चार्ट्स है बस फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। इसमें देखिए उसकी इनकम कौन कौन सी हो सकती है ट्रस्ट की, डोनेशन इनकम हो सकती है या वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन हो सकता है, साथ में इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट हो सकता है, कोई डोनेशन उसको दे सकता है या वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन कर सकता है, या इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी अंडर ट्रस्ट जो है हेल्ड अंडर ट्रस्ट है उससे इनकम हो सकती है, साथ में कैपिटल गेन फ्रॉम द ट्रस्ट प्रॉपर्टी, ट्रस्ट प्रॉपर्टी को बेचने से कोई भी कैपिटल गेन हो सकता है,
और साथ में यूनिवर्स डोनेशन, कोई भी ऐसा डोनेशन जो नहीं पता किसने दिया है, ठीक है, वो वाला डोनेशन। और डोनेशन वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन जो होता है उसमें देखिए क्या क्या ट्रीटमेंट होता है। तो वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन विद द स्पेसिफिक डायरेक्शन, कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन के लिए अगर कोई वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है, टू द फॉर्म ऑफ द कॉर्पस, मतलब कोई भी कॉर्पस का पार्ट बनने के लिए कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन दिया गया है और वो वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव हुआ है, ठीक है, तो ये पूरा पूरा एग्जाम्पल है। और वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन विदाउट स्पेसिफिक डायरेक्शन, कोई भी स्पेसिफिक डायरेक्शन के बिना अगर दिया गया है तो फॉर्म द पार्ट ऑफ इनकम, ये इनकम का पार्ट बन जाएगा, ठीक है। फिर देखिए इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट जो है फॉर चैरिटेबल रिलीजियस पर्पज, उसमें जो 15% है वो पूरा पूरा एग्जम्प्ट होता है। और जो 85% है, 85% में देखिए अगर इनकम अप्लाइड फॉर चैरिटेबल पर्पज इन इंडिया, अगर वो चैरिटेबल पर्पज के लिए अगर वो इंडिया में अप्लाई कर देता है इनकम, तो वो एग्जम्प्ट हो जाएगी। तो 15% यहाँ एग्जम्प्ट हो जाएगी, 85% यहाँ एग्जम्प्ट हो गई। और अगर वो अप्लाई नहीं करता है, ठीक है, अगर वो अप्लाई नहीं करता है इनकम नॉट अप्लाइड फॉर चैरिटेबल पर्पज, तो उसने क्या किया होगा, उसको एक्यूमुलेट किया होगा। तो एक्यूमुलेटेड फॉर स्पेसिफाइड पर्पज इन इंडिया और नॉट एक्यूमुलेटेड फॉर स्पेसिफाइड पर्पज इन इंडिया, तो एक्यूमुलेट करेगा तो आगे वो नेक्स्ट ईयर में ले जा सकता है। अगर एक्यूमुलेटेड अगर वो नहीं करता है तो एग्जम्प्ट नहीं होगा, और इसमें आगे नेक्स्ट ईयर में एग्जम्प्ट हो जाएगा। अब इसमें बताइए कोई डाउट हो तो किसी को, नहीं सर समझ में आया सर। थोड़ा वो समझ में आया। यस सर। चलिए ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट हम कल देखेंगे इसका, ठीक है, ये टू पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा। कोई डाउट हो तो बताइए। ओके चलिए फिर एंड करते हैं क्लास को आज। सर नोट शेयर कर देना प्लीज। हाँ मैं नोट शेयर कर देता हूँ आज। ओके सर गुड नाइट। ओके गुड नाइट, थैंक यू भाई। कल भी नहीं किए थे सर। हाँ जी आज कर देता हूँ। ओके थैंक यू।